सीधे आपको लिए चलते हैं आप छत्तीसगढ़, जहां पर सीएम भूपेश बघेल सभी राज्य के वासियों से मोदी और उन लाखों बदलावियों को नमन करता हूं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ाई थी। आजादी की लंबी लड़ाई में देश को एकजुट करने और बुलंद भारत की बुनियाद रखने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे अनेक महान नेताओं के हम हमेशा ऋणी रहेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन की चेतना से छत्तीसगढ़ को जोड़ने और आदर्श विकास की नींव रखने वाले वीर बुद्धाधूर पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर त्यागराज सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बैरिस्टर छिंदीलाल, यति यतीलाल, मिनी माता डॉक्टर ताराबाई, पंडित मोहम्मद राव राठे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बच्चिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणी बाई परनिया, केकती बाई बघेल, श्रीमती बेला बाई जैसे अनेक क्रांतिवीरों और मनीषियों के योगदान के कारण हम सब शान से सिर उठा कर जी रहे हैं। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन सभी पुरुषों को सादर नमन करता हूं। आज का दिन सागर की विरासत को भी याद करने का है जिसमें गणेश चंद्र विद्यार्थी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे हमारे पुरुषों का बलिदान भी दर्ज है जिन्होंने देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने के लिए कुर्बानी दी ताकि देश अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अड़ी रहे और जाति धर्म संप्रदाय की सीमाओं से ऊपर उठकर विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यह साल असहयोग आंदोलन का शताब्दी वर्ष भी है। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी का यह आह्वान निर्णायक साबित हुआ था कि हम असहयोग करेंगे लेकिन किसी भी हालत में हिंसा नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं ऐसा भारत चाहता हूं जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करेंगे यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनके आवाज का महत्व है, जिसमें विविध संप्रदायों के बीच पूरा मेलजोल होगा। मैं ऐसा भारत चाहता हूं जिसका देश सारी दुनिया में शांति का संबंध हो। मेरे लिए हिंद स्वराज का अर्थ है सब लोगों का राज, न्याय का राज। हमारा स्वराज निर्भर करेगा हमारी आंतरिक शक्ति पर, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से जूझने की ताकत पर। याद कीजिए, आजाद भारत के पहले घोष को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमने नियतों को मिलने का वचन दिया था और अब समय आ गया है हम अपने वचन को निभाएं। अपने इस ऐतिहासिक भाषण में पंडित नेहरू ने कहा था, जब तक लोगों के आंखों में आंसू है और वो पीड़ित हैं तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। भाई और बहनों, अपने देश के संघर्षों और इतिहास को भुलाकर मूल्यहीन और अवसरवादी समझौता करना भारत की तासीर नहीं है। देश को विभेदकारी तार तकनीकियों और योजनाओं की समक्ष से बहलाया जा सकता है लेकिन इससे दीर्घजीवी समाधान संभव नहीं होते। देश अब एक बार फिर उस दोराहे पर खड़ा है जहां एक ओर विभेद है, युद्ध उन्माद की चमक है, दूसरी ओर त्याग, बलिदान, मूल्य समन्वय और अहिंसा की सनातन परंपरा और गांधीवादी विचारधारा है।
19 के हमले ने पूरी दुनिया में इंसानियत को ही तकलीफ रख दिया है और उन चेहरों को बेनकाब कर दिया है जो विकास के अपने तौर तरीकों को मांग ही बताते। ऐसे समय में हमें अपने संविधान की शक्ति और समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के बलिदानों का सपना जब सच हुआ और रास्ता दिया सपना जब सच हुआ शक्ति के संरक्षण में हम राज्य सरकार के रूप में अपनी प्राथमिकता तय कर सके। यह समय समाज के सबसे कमजोर तबकों के आंसू पोंछने का उसे सशक्त बनाने का ही होना चाहिए। मानवता की सेवा की गांधीवादी सोच और नेहरूवादी संस्थाओं व अधोसंरचनाओं ने ही हमें कोरोना से मुकाबला करने योग्य बनाया। हमें से कोई भी वह मंजर शायद ही कभी भूल पाए कि किस तरह विभिन्न राज्यों से अपना रोजगार जमा पूंजी घर गृहस्थी होकर प्रदेश के लाखों लोग चारों दिशाओं से पैदल आ रहे थे। हजारों लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए थे। लॉकडाउन के कारण उन्हें आवास भोजन बच्चों के लिए दूध दवा जैसी बहुत जरूरी सुविधाएं भी दुर्भर हो गई थी। ऐसे समय में राज्य सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश की जनता तथा संस्थाओं ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। 5.5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी हुई है। उन्हें सुरक्षित और स्वस्थ घर पहुंचाने के लिए हर गांव में अर्थात लगभग 22,000 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए। इन श्रमिकों को न सिर्फ मनरेगा के तहत रोजगार दिलाया गया बल्कि क्वारंटाइन सेंटर में ही इनके स्किल मैपिंग की व्यवस्था की गई ताकि इन्हें प्रदेश में सम्मानजनक रोजगार दिलाया जा सके। इस दौर में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी 4 करोड़ बनाया गया जिसके कारण संक्रमित लोगों की रिकवरी दर अन्य प्रदेशों से बेहतर रही तथा मृत्यु दर भी काफी कम रही। 21 राज्यों तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे हमारे लगभग 3 लाख मजदूर साथियों को खाद्यान्न व अन्य राहत पहुंचाई गई। वही लॉकडाउन की अवधि में लगभग 74,000 मजदूरों को वेतन के बकाया राशि 171 करोड़ रुपये का भी भुगतान कराया गया। 107 स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से न सिर्फ हमारे प्रदेश के मजदूर वापस लाए गए बल्कि अन्य प्रदेशों के मजदूर को उनके राज्य में भेजने की व्यवस्था की गई। कोरोना महामारी के दौरान हमारी सार्वभौम पीडीएस योजना भी कसौटी पर खरी उतरी। 57 लाख अंत्योदय प्राथमिकता निराश्रित निशक्तजन राशन कार्ड धारियों को निःशुल्क चावल वितरण किया गया है। आंगनबाड़ी तथा मध्याह्न भोजन योजना के शिकारियों को मिलने वाली पोषण सामग्री में कोई बाधा न आए इसके लिए घर पहुंच सेवा दी जा रही है। इस तरह मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जिससे कुपोषण में 13% की कमी आई। भाइयों और बहनों हम गांधी नेहरू पटेल बोस भगत सिंह आजाद लाल बाल पर जैसे त्यागियों को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं जिन्होंने आदर को सिर्फ सेवा का अवसर माना था। विश्व इतिहास की सबसे दुखदायी और भयंकर क्रांति के समय में हमारी सरकार ने सेवा के सिद्धांत को अपनाया क्योंकि यही हमारी विरासत। सेवा ही हमारा सनातन धर्म है। इसी रास्ते पर चलते हुए हमें आर्थिक मंदी और कोरोना संकट काल में अर्थव्यवस्था को बचाए रखने में सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ में हमने अपने खेतों गांव जंगलों वनोपजों प्राकृतिक संसाधनों लोक कलाओं परंपराओं और इन सब के बीच समन्वय से अपना रास्ता बना लिया। हमें गर्व है कि अर्थव्यवस्था का हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल संकट मोचक कोरोना संकट पूरी दुनिया के लिए एक सबक बनकर भी आया है।
महाशक्तियों का दम भरने वाले देश किस तरह एक पैर पर जाके होने साबित हुए हैं और अपनी भावी नीतियों को लेकर चिंतन करने पर विवश हैं। तथाकथित विकास की जगह इतनी सर्दी थी जो ऐसा एक झटका भी नहीं था पाए। दुनिया जानना चाहती है छत्तीसगढ़ में विगत डेढ़ वर्ष में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जिसने गिरती अर्थव्यवस्था को थाम लिया। मैं बताना चाहता हूं कि हमने किसानों, ग्रामीण आदिवासियों, वन आश्रितों और आम जनता को मजबूती दी। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी, 4000 मानक और त्रिभुज पत्ता संग्रहण, 31 वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी, खादी और ग्राम उद्योग बढ़ावा, घरेलू बिजली बिल हाफ, सामान्य और औद्योगिक भूमि गाइडलाइन में 30% की कमी, आवासीय भेद कमी, औद्योगिक भूमि के हस्तांतरण तथा लीज रेंट में कमी, राजस्व तथा श्रम संबंधी सुधार में बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिसमें गांव से लेकर शहरों तक एक नया विश्वास जाग किसानों, आदिवासियों और वन निवासियों की जेल में हमने 70,000 करोड़ रुपए की राशि डाली। निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के लोगों को 1,000 करोड़ रुपए की रियायत और राहत दी गई, जिससे छत्तीसगढ़ के आम जनता की क्रय शक्ति जागी, जिसने उद्योग और व्यापार जगत को सहारा दिया। हमने बड़े और महंगे निर्माण की अर्थव्यवस्था के संचालन का दिशा तोड़ दिया है। स्थानीय जनता की सोच से विकास का रास्ता अपनाया है जिसके कारण निवेश और विकास हमराही बन गए। विकास से हमारी सोच, नीति और क्रियान्वयन के बीच इतना गहरा नाता है, दो वार्षिक बजट काल पूरा होने से पहले ही हम इस दौरान देश के सबसे बड़े रोजगार सृजन राज्य बन गए। लगातार घटती बेरोजगारी दर से युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। शिक्षा, कौशल, खेलकूद, कला संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ाने से युवाओं की ऊर्जा तथा उत्पादकता का लाभ मिल रहा है। कोरोना काल में भी छत्तीसगढ़ में 26 लाख मीट्रिक टन लौह इस्पात सामग्रियों के उत्पादन और आपूर्ति से सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को सहारा दिया। जन कल्याणकारी कदमों के साथ राह में 74 माननीय मुख्य अतिथि महोदय वाचन होगा। हमने 28 जिलों में 101 विकास खंडों में दूसरी ओर गोधाट बहुद्देशीय परियोजना को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। मेरा वादा है मुआवजा और पुनर्वास के लिए का निर्धारण बस्तर के लोगों से पूछ कर किया जाएगा। हम एक ऐसी सर्वश्रेष्ठ परियोजना बनाएंगे जो बस्तर वासियों के सपनों को सच करे। इस तरह हम 5 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वर्तमान सिंचाई क्षमता को दुगुनी करेंगे। किसान भाइयों और बहनों, हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी सरकार किसान हितकारी सरकार कहलाती है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमने आपको मिलने वाले 5,700 करोड़ रुपए की पहली किस्त 1,500 करोड़ रुपए दी थी। इसकी दूसरी किस्त राजीव जी की जयंती पर 20 अगस्त को दी जाएगी। हमारी सुराजी गांव योजना तेजी से आकार ले रही है। नरवा गरवा घोरोबारी का तेजी से विकास हो रहा है। हमने वादा किया था गठान को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और लोक संस्कृति का आंगन बनाएंगे। इस क्रम में गोधन न्याय योजना की शुरुआत भी हो चुकी है और गोबर को धन में बदलने का कार्य आपको करना है। व्यवस्था हमारी रहेगी और समृद्धि आपकी होगी। संग्रहण से भुगतान तक, वर्मी कंपोस्ट बनाने से बेचने तक, गोबर के अन्य कलात्मक उपयोग से लेकर विपणन तक आपके सारे काम
चारों ढंग से होंगे। गैस मुक्त किसी के लिए हमने इस साल इतिहास का सबसे बड़ा 5,200 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, जिसके 72% राशि का वितरण मात्र 5 माह में किया जा चुका है। आपके इस उपकार के लिए साधुवाद। किसी ने इस निवेश का लाभ आपको आगामी फसल में मिलेगा। खेती किसानी में नए ज्ञान की फसल उपजाने के लिए हम महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, 4 नए उद्यानिकी कॉलेज तथा 1 खाद्य तकनीकी और प्रसंस्करण कॉलेज खोलने जा रहे हैं। दूध उत्पादन और मछली पालन को नए ज्ञान का सहारा देने के लिए 3 विशिष्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे। नई योजनाओं की पहल के बाद अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की घोषणा हमने की है, इसे जल्द ही साकार किया जाएगा। प्रदेश के विकास और खुशहाली में मजदूरों की भागीदारी तय करना भी हमारे पुरुषों का सपना था और हमारा कर्तव्य है। महात्मा गांधी नरेगा योजना ने संकट के इस दौर में अपनी सार्थकता सिद्ध की है। योजना के प्रारंभ से लेकर अभी तक सर्वाधिक 25 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का कीर्तिमान भी हमने बनाया है। 100 दिवस रोजगार देने के मामले में भी हम देश में दूसरे स्थान पर रहे। हमने मनरेगा को 1,000 पट्टे पंचायतों में निर्माण कार्य, खाद्यान्न संरक्षण, जल संवर्धन, बरखान निर्माण जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जोड़कर इसकी उपयोगिता का दायरा बढ़ाया है। वन अंचलों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि आपके क्षेत्र में अब आपके मन मुताबिक विकास की बयान बनने लगी है। तेंदुपत्ता संग्राहकों की बीमा योजना बंद करके अगर कोई यह सोचता है कि वह आपकी प्रगति के रास्ता बंद कर देगा तो यह मुगालता भी हमने समाप्त कर दिया है। हमने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक समाजिक सुरक्षा योजना शुरू कर दी है, जिसमें न तो प्रीमियम भरना पड़ेगा और न ही दावों के भुगतान के लिए कई महीनों का दुखदाय इंतजार सहना पड़ेगा। इसके साथ ही हमने 7 के स्थान पर 31 वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू कर दी है, जो लाखों परिवारों के जीवन का आधार बनेगा। हमारे नए प्रयासों का परिणाम भी मिलने लगा है। अल्प समय में ही हम देश में सर्वाधिक वनोपज संग्रहण करने वाले राज्य बन गए हैं। यह सिलसिला तेजी से आगे बढ़ाएंगे, जिसके जरिए हम साल में 2,000 किए जाएंगे। आज मैं कह सकता हूँ नक्सलवादी वारदातों में अंकुश तथा आदिवासी अंचलों में विकास के नए ढंग हमारी रणनीति की सफलता का प्रतीक है। हमने आजादी की लड़ाई से न्याय की जो यात्रा शुरू की थी, अब जन जन तक पहुंचाने जा रहे हैं। यही नवा छत्तीसगढ़ करने के हमारे सपनों और इरादों का आधार है। आप सबके प्यार, सहयोग, समर्थन और सीधे भागीदारी से यह संभव होगा। जय हिंद, जय धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके प्रेरक वक्तव्य ने राज्य में विकास के नए शिखर तैयार किए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं आजादी के प्रतीक स्वरूप गुब्बारों को स्वच्छंद आकाश में छोड़ने के लिए। आप माननीय स्वतंत्र